व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई किसी व्यापारी से रंगदारी वसूली कर पाएगा? आज वसूली हो पाएगी? आज क्या कोई गुंडा और माफिया सीना चौड़ा करके सड़क पर निकल सकता है क्या? लेकिन भाइयों बहनों, सत्रह के पहले तो ये निकलते थे, तमंचा लहरा करके निकलते थे, निकलते थे कि नहीं निकलते थे? लेकिन आज तो नहीं ये दृश्य देखने को मिलता होगा ना, और यही कहने के लिए आए हैं भाइयों बहनों, आज हमारे शहर शहीदों के आतंक नहीं बल्कि सेफ सिटी के रूप में जाने जा रहे हैं, सुरक्षित शहर के रूप में जाने जा रहे हैं। आज हमारे शहर कूड़े के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। आज युवाओं के हाथों में तमंचा नहीं, टैबलेट है, टैबलेट। 2 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार फ्री में टैबलेट देने का कार्य कर रही है। अपने युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके जो 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर आने जा रहा है, भाइयों बहनों, इस निवेश से 1 करोड़ नौकरियां आएंगी। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के लिए ट्रेनिंग का ये माध्यम है टैबलेट, उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का और फिर उसकी प्रतिभा को इसी राज्य और देश के विकास में लगाने के लिए एक अभियान राज्य सरकार चला रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए हैं। इस मऊ जनपद के अंदर डबल इंजन सरकार ने अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाए, और खासतौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो आपने देखा होगा, प्रसन्नता है इसी माटी के सपूत उत्तर प्रदेश सरकार के 2 बड़े मंत्रालयों का दायित्व तो संभाल रहे सीके शर्मा जी, इसी धरती के सपूत हैं और यहां के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, आज आप सबके सामने स्थिति बहुत स्पष्ट है। याद करिए, जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहां की कानून व्यवस्था को व्हीलचेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हीलचेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। ये वही जनपद है जहां रामलीला का आयोजन नहीं हो पाता था। जनपद में नगरीय क्षेत्र में 17,655 प्रधानमंत्री आवास योजना यहां के लिए स्वीकृत हुई है। पीएम स्वनिधि योजना में 8,930 पटरी व्यवसायियों को ब्याज मुक्त ऋण देने का कार्य भी हुआ। और भाइयों बहनों, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन और वृद्धावस्था पेंशन में 12,407 निराश्रित महिलाओं को, 11,809 दिव्यांगजनों को और 12,633 वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा का लाभ, डबल इंजन की सरकार 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दे रही है। 1,24,688 गोल्डन कार्ड मऊ जनपद में गरीबों को बने हैं, जिसमें 5 लाख रुपए की हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। अपना सानिध्य में लेकर के इन्हें अराजकता पैदा करने की खुली छूट देते थे, लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आई तो जो कानून व्यवस्था को व्हीलचेयर पर ले जाते थे, भाइयों बहनों, आज उन्हीं को व्हीलचेयर में पहुंचाने का काम कर दिया गया। और इसीलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, ये चुनो हम जानते हैं केंद्र और प्रदेश सरकार की सेहत पे असर नहीं पड़ता, लेकिन जनता की सेहत के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, जनता की सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। डबल इंजन सरकार जो पैसा विकास के लिए दे, जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए दे, उस पैसे का उपयोग सही ढंग से हो सके
इसके लिए उस प्रकार का बोर्ड बने। और सौभाग्य से नगर विकास के मंत्री तो एके शर्मा जी है, यहाँ के विकास के लिए पैसे की कहाँ कमी आने वाली है। कर चले मन से उजाला कर चले।